नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो पेरू का ग्रोथ पोल थ्योरी है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो सिलेबस है आपको मॉडल थ्योरी इन ह्यूमन जियोग्राफी में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए पेरू का ग्रोथ पोल थ्योरी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आप टॉपिक ये देखे होंगे, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर का जो टॉपिक था हम लोग रीजनल प्लानिंग में भी स्टडी किए थे, लेकिन वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि रीजनल ग्रोथ पोल सेंटर क्या होती है, ग्रोथ पोल क्या होती है, ग्रोथ सेंटर क्या होती है। आज हम लोग पेरू का ग्रोथ पोल थ्योरी इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो पेरू थे वो क्या फ्रेंच रीजनल इकोनॉमिस्ट थे, ये जियोग्राफर नहीं थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने पेरू का इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पोल थ्योरी दिया था वो 1950s के दौरान दिया था। एक्चुअली कहीं कहीं पे आप देखेगा 1949 भी देखेगा, 54 भी, 55 भी देखेगा। तो 1950s से 1960 के दौरान इन्होंने ग्रोथ पोल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने अपनी थ्योरी में वो एक्सप्लेन क्या करना चाहते थे, जो मॉडर्न प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो किसी भी रीजन का इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका पैटर्न को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ग्रोथ पोल थ्योरी में, ठीक है। जो इनका जो थ्योरी है वो किसके बेसिस पे है, तो सम्पीटर थ्योरी के बेसिस पे है, और जो रोल एंड इनोवेशन एंड लार्ज स्केल फर्म्स है उनके बेसिस पे, यानी कि जो लार्ज स्केल फर्म्स और उनके इनोवेशन है उनके बेसिस पे है। तो जो पेरू का जो थ्योरीज है उसको स्टडी करने से पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस थ्योरी में यूज हुए हैं उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्म्स क्या होती है। फर्म्स एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो ट्रेडिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती है, ठीक है। तो फर्म्स क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स एंड सर्विस का ट्रेड करता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो, ये क्या है, सब फर्म्स का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। फिर देखो इंडस्ट्रीज क्या होती है, इंडस्ट्रीज वर्ड भी मिलेगा इस थ्योरी में। तो इंडस्ट्री होती है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स का, ठीक है। जैसे मान लो स्टील इंडस्ट्री में आप जैसे टाटा स्टील हो गया, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, आयरन ओर इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये क्या है, इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है। फिर पेरोक्स के द्वारा जो फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज हैं वो दो टाइप के बताए गए हैं, पहला है डोमिनेंट इंडस्ट्रीज और दूसरा है डायनामिक प्रोपल्सिव फर्म्स या इंडस्ट्रीज, ठीक है। डोमिनेंट इंडस्ट्रीज उनको बोला गया जो मान लो कोई इंडस्ट्री ए और बी दो हैं, तो ए डोमिनेंट इंडस्ट्री ओवर बी इस तब कहा जाएगा जब ए का जो मेजॉरिटी आप जो प्रोडक्शन है बी द्वारा कंज्यूम होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पर लेते हैं, कोई एक रीजन है वहाँ पे एक आयरन ओर इंडस्ट्रीज है और कोल इंडस्ट्रीज है, तो आप देखोगे स्टील इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आयरन ओर और कोल इंडस्ट्रीज क्या डोमिनेंट इंडस्ट्रीज कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि आयरन ओर का जो मेजॉरिटी ऑफ आउटपुट है वो इंडस्ट्रीज स्टील इंडस्ट्रीज द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा, तो डोमिनेंट इंडस्ट्री यहाँ पे आयरन ओर इंडस्ट्रीज और कोक इंडस्ट्रीज हो जाएंगे ओवर द स्टील इंडस्ट्रीज। लेकिन एक रीजन में डोमिनेंट इंडस्ट्रीज और भी हो सकती है, जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसकी नेगोशिएटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, नेचर ऑफ ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है और इनोवेशन स्किल भी अच्छी है, इम्प्रेसिव ब्रांड एंड वैल्यूज है, वो भी डोमिनेंट इंडस्ट्रीज में कहलाई जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा पेरोक्स बोलते हैं। फिर दूसरा उन्होंने डायनामिक प्रोपल्सिव फर्म्स की बात की है, ऐसा फर्म्स जो हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है, यानी बहुत ज़्यादा कस्टमर उसके हैं और हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है, वहाँ पर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छी है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज हो रही है और फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। जैसे आपको पता होगा फर्म्स क्या होती हैं, जो गुड्स एंड सर्विस में ट्रेडिंग करती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में फ्लिपकार्ट एक क्या डायनामिक प्रोपल्सिव फर्म्स का एग्जांपल है। वो आप देखोगे इसका जो ग्रोथ है एक्सपोनेंशियल बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, ठीक है। जैसे पेटीएम भी एक फर्म है क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करती है, इसका भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। तो क्या डायनामिक प्रोपल्सिव फर्म्स ऐसे कहलाएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे डायनामिक प्रोपल्सिव फर्म्स का एग्जांपल है। फिर देखो पेरोक्स जो ग्रोथ पोल है, तो ग्रोथ पोल जो पेरोक्स के अकॉर्डिंग
बोलते हैं कि ग्रोथ पोल का मतलब कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, यानी कि उस कोई एरिया को ग्रोथ पोल नहीं बोलेंगे, ऐसा पेरोक्स बोलते हैं, ध्यान से दीजिएगा। पेरोक्स बोलते हैं कोई सिटी या टाउन को ग्रोथ पोल नहीं बोलेंगे, कोई एक सिंगल फर्म या इंडस्ट्रीज या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को ग्रोथ पोल बोल सकते हैं, ठीक है। जनरली उन्होंने इकोनॉमिक स्पेस को ग्रोथ पोल बोला है, जहाँ पे नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। नंबर के अलावा आप बोल सकते हो कि एक डोमिनेंट इंडस्ट्रीज भी होगी तो उसको बोलेंगे ग्रोथ पोल। तो यहाँ पे ग्रोथ पोल आप ध्यान दीजिए कि पेरोक्स द्वारा ग्रोथ पोल जो होती है एक जियोग्राफिकल रीजन नहीं है, वो क्या है कि एक सिंगल फर्म भी हो सकती है, एक इंडस्ट्रीज भी हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को भी ग्रोथ पोल बोल सकते हैं, ठीक है। या इकोनॉमिक स्पेस जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको ग्रोथ पोल बोलते हैं पेरोक्स, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखो, फिर वर्ड आती है इकोनॉमिक पोलराइजेशन। इकोनॉमिक पोलराइजेशन यहाँ पे पेरोक्स ऐसा बोलते हैं कि सिमिलर टाइप का जो एक्टिविटीज होती है वो पोलराइज होती है और वहाँ पे एग्लोमरेट होती है। जैसे मान लो यहाँ पे आयरन ओर इंडस्ट्रीज है, कोक इंडस्ट्रीज है, तो आयरन ओर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होंगे जैसे स्टील इंडस्ट्रीज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, तो क्या है पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी स्टील इंडस्ट्रीज हो गया तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो क्या इकोनॉमिक पोलराइजेशन इसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये सब टर्म जो है जब हम लोग पेरोक्स का थ्योरी मेन थ्योरी जो डिस्कस करेंगे तब यूज होंगे। फिर देखो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की बात की गई है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऐसे इंडस्ट्रीज ऐसे इकोनॉमिक्स जैसे मान लो ए और बी दो इंडस्ट्रीज हैं, तो ए के आउटपुट से बी को भी इफेक्ट हो रहा है, ए के आउटपुट चेंज हो रही हैं या कि इनपुट चेंज हो रहे हैं, बी को भी बी के इनपुट या आउटपुट में इफेक्ट हो रहा है, तो बोलेंगे ए एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज है बी के लिए, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज जो ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो उसके आउटपुट या इनपुट से दूसरे इंडस्ट्रीज को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। देखो निगेटिव एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है जो दूसरे इंडस्ट्री को कॉस्ट कर रही है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मान लो एक कोल का इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, तो कोल के इंडस्ट्रीज से क्या होंगे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को घाटे में यानी कि बहुत इफेक्ट करेगा, नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नल इकोनॉमिक बोलते हैं। फिर पॉजिटिव एक्सटर्नल इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री जिसकी डेवलपमेंट से पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है दूसरे इंडस्ट्रीज का। जैसे मान लो एक रोबोट की इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, तो रोबोट की इंडस्ट्री यदि डेवलप होंगे तो क्या होंगे ऑटोमेशन होगा, तो ऑटोमेशन से आप बोल सकते हो कि मान लो हॉस्पिटल्स में यदि रोबोट जाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छी उसके पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, या स्टील इंडस्ट्री में ऑटोमेशन होंगे तो पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। तो क्या है रोबोट या जो ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज है वो क्या है पॉजिटिव इफेक्ट करती है, तो दूसरे टाइप के जो एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज होते हैं क्या होते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग देखें। फिर लिंकेज, देखो लिंकेज क्या होती है, पेरोक्स बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं एक दूसरे से लिंक्ड होती है, ठीक है। तो दो टाइप का लिंकिंग उन्होंने बताया कि फॉरवर्ड लिंकिंग होती है, बैकवर्ड लिंकेज होती है। तो फॉरवर्ड लिंकेज कैसे होती है, जैसे मान लो एक इंडस्ट्रीज है ए और दूसरी इंडस्ट्री बी है, तो ए का जो आउटपुट है बी के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है, तो बोलेंगे ए का फॉरवर्ड लिंकेज क्या है बी। जैसे मान लो स्टील इंडस्ट्रीज का फॉरवर्ड लिंकेज क्या है ऑटोमोबाइल या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ठीक है। यदि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा बूम होती है तो स्टील को भी फायदा होगा, ठीक है, या इनोवेशन बहुत अच्छी आती है कंस्ट्रक्शन या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में तो डिमांड ज़्यादा होगी और क्या होंगे वो स्टील इंडस्ट्रीज को फायदा करेगा, तो यहाँ फॉरवर्ड लिंकेज है। फिर बैकवर्ड लिंकेज ऐसे बोलते हैं जैसे स्टील इंडस्ट्रीज का बैकवर्ड लिंकेज आप बोल सकते हैं आयरन ओर इंडस्ट्रीज या कोल इंडस्ट्रीज, यहाँ क्या बैकवर्ड लिंकेज से है। यदि मान लो स्टील इंडस्ट्री को अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाना है तो अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर भी चाहिए और कोक भी चाहिए, कोयला भी चाहिए, तो क्या होगा स्टील इनोवेशन या कुछ हेल्प करेगा बैकवर्ड इंडस्ट्रीज को, या बैकवर्ड इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बूम करेंगे या बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे तो स्टील इंडस्ट्रीज में भी उसी तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज क्या है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज से कनेक्टेड हैं, ऐसा पेरोक्स बोलते हैं। फिर देखो सम्पीटर थ्योरी क्या बोलते हैं, ये बहुत बड़ी थ्योरी मतलब
इस थ्योरी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब डिस्कस न करके थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं। पेरोक्स बोलते हैं कि जो पेरोक्स का जो थ्योरी है सम्पीटर थ्योरी के बेस पे है। ऐसा बोलते हैं सम्पीटर क्या बोलते हैं, इस थ्योरी क्या बोलता है कि जो इंडस्ट्री जब फर्म होती है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च या इनोवेशन करती है। तो यहाँ भी ग्रोथ पूल भी है। ग्रोथ पूल में क्या बोलते हैं, पेरोक्स बोलते हैं कि जो कोई इंडस्ट्रीज है वो अपने प्रॉफिट के लिए क्या करती है, इनोवेशन या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करती है, रिसर्च करती है, तो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है। यदि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा तो पूरे ग्रोथ पोल यानी कि उस इकोनॉमिक स्पेस का डेवलपमेंट होगा, ऐसा पेरोक्स बोलते हैं। अब देखो मेन थ्योरी पे आते हैं। मेन थ्योरी से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या हम लोग डिस्कस किए, फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किए, इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, डोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, प्रोपल्सिव फॉर्म क्या होते हैं, ग्रोथ पोल क्या होते हैं, इकोनॉमिक पोलराइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नल इकोनॉमिक, पॉजिटिव एक्सटर्नल इकोनॉमी, लिंकेजेज में हम देखे थे और सम्पीटर का थ्योरी भी देखे थे। अब देखते हैं ग्रोथ पोल जो थ्योरी है, मेन थ्योरी है पेरोक्स का, वो क्या बोलती है। तो पेरोक्स बोलते हैं कि जो सेंट्रल आइडिया ऑफ ग्रोथ पोल थ्योरी क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो क्या होते हैं, सब जगह एक समान नहीं होते इंटायर रीजन में, वो एक स्पेसिफिक ग्रोथ पोल से स्टार्ट होते हैं। देखो मेन क्या है कि जो एक रीजन है उसका जो ग्रोथ क्या है, सब जगह समान नहीं होते हैं, वो एक ग्रोथ पोल से स्टार्ट करते हैं। पेरोक्स का ग्रोथ पोल क्या है कि एक डोमिनेंट इंडस्ट्रीज या प्रोपल्सिव इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ पोल कहलाती है, या एक इकोनॉमिक स्पेस। तो बोलते हैं कि एक डोमिनेंट इंडस्ट्रीज से स्टार्ट होती है उस रीजन की ग्रोथ। जैसे मान लो इंडिया की एग्जांपल आप लोगे तो इंडिया में क्या, जब 1950s या 1960s के दौरान क्या हुआ था कि जो डोमिनेंट इंडस्ट्री उस समय बोल सकते हो आयरन और कोल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, ठीक है। मान लो यहाँ पे आयरन और इंडस्ट्री है, आप कोल इंडस्ट्रीज है, तो जवाहरलाल नेहरू का जो प्रोग्राम था कि वहाँ पे बोल सकते हो पेरोक्स के थ्योरी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आयरन और कोल क्या है, डोमिनेंट इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, तो ये ग्रोथ पोल की तरह काम कर रहे हैं। फिर इससे क्या इकोनॉमिक पोलराइजेशन होता है, इकोनॉमिक पोलराइजेशन में क्या होती है कि इससे रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जैसे मान लो आयरन और कहाँ यूज होता है, स्टील के लिए यूज होता है, तो स्टील इंडस्ट्रीज आप यहाँ पे वेबर थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हो। वेबर थ्योरी में स्टील इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होंगी, जहाँ पे आयरन ओर होंगे या कोक होंगे। तो मान लो आयरन ओर यहाँ पे है, कोक यहाँ पे है, तो स्टील इंडस्ट्री भी यहाँ पे होगी, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे आ गई तो क्या होगा कि ये ग्रोथ पोल यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ग्रोथ पोल अभी हम देखें प्रॉस क्या है कि एक डोमिनेंट इंडस्ट्री आयरन ओर है और फिर कोक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक पोलराइजेशन होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या, स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे होगी, स्टील इंडस्ट्री में और इकोनॉमिक पोलराइजेशन होंगे, तो स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड जो फर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होंगे। जैसे फर्म्स में आप बोल सकते हो कि सेल का यहाँ पे जो सेलिंग करने के लिए कोई फर्म्स होंगी, यानी खरीदारी करने के लिए यहाँ पे एक मार्केट इस्टेब्लिश हो जाएगा, आयरन ओर है, स्टील है, मार्केट इस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन के लिए नट बोल्ट बनाने के लिए क्या इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगेंगे। तो क्या इकोनॉमिक पोलराइजेशन होता है। पेरोक्स क्या बोलते हैं कि ग्रोथ जो किसी रीजन की स्टार्ट होती है एक ग्रोथ पोल से स्टार्ट होती है। ग्रोथ पोल क्या है, एक डोमिनेंट इंडस्ट्रीज है और फिर इकोनॉमिक पोलराइजेशन होते हैं। इकोनॉमिक पोलराइजेशन से उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो क्या है, एक जगह इकट्ठा होते हैं और उससे रिलेटेड जो नॉन रिलेटेड हैं अलग जगह इकट्ठा होते हैं। तो आपको ग्रोथ पोल यहाँ पे अलग अलग देखने को मिले। जैसे एक रीजन है तो यहाँ पे आयरन ओर है, स्टील आ गए तो ऑटोमोबाइल आ गए, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज आ गए, मार्केटिंग आ गए, तो एक ग्रोथ पोल हो गया। दूसरी जगह आईटी का हो गया, तो आईटी से रिलेटेड यहाँ पे मार्केटिंग या जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्रीज है, तो अलग अलग ग्रोथ पोल स्टार्ट होने लगे। जब ग्रोथ पोल स्टार्ट होंगे तो इकोनॉमिक पोलराइजेशन होने लगी। इकोनॉमिक पोलराइजेशन होने के बाद फिर रीजनल पोलराइजेशन होने लगी। पेरोक्स क्या बोलते हैं कि रीजनल पोलराइजेशन होने लगती है और एक रीजन स्पेसिफिक रीजन क्या ज़्यादा डेवलप होती है, दूसरे रीजन कम डेवलप होती है, और अलग अलग ग्रोथ पोल में रीजनल पोलराइजेशन होने लगता है। फिर रीजनल पोलराइजेशन से क्या होता है, फिर स्प्रेड आउट इफेक्ट होती है। हम लोग ऑलरेडी भी देख सकते हैं स्प्रेड आउट इफेक्ट क्या होती है, या ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट में क्या होती है, जिस रीजन में ज़्यादा डेवलप्ड है तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से या स्प्रेड आउट इफेक्ट से क्या होंगे, जो सराउंडिंग रीजन है उसमें भी उसका भी डेवलपमेंट होने लगा धीमे धीमे, तो बाद में क्या पूरे रीजन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यही बेसिक आइडिया है ग्रोथ पोल थ्योरी, पेरोक्स का ग्रोथ पोल थ्योरी, ठीक है। एक बार समरी देख लेते हैं।
कि पेरोक्स क्या बोलते हैं कि जो एक रीजन होती है सारे जगह यूनिफॉर्मली क्या डेवलपमेंट नहीं होती है, एक ग्रोथ पोल से स्टार्ट होती है, फिर इकोनॉमिक पोलराइजेशन होती है, इकोनॉमिक पोलराइजेशन से ग्रोथ पोल का और एक्सपेंशन होता है, फिर रीजनल पोलराइजेशन होती है, ज्योग्राफिकल पोलराइजेशन होती है, फिर एक पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट होता है, फिर स्प्रेड आउट इफेक्ट होती है या ट्रिकल डाउन इफेक्ट होती है, उसके थ्रू पूरे रीजन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ऐसा ग्रोथ पोल थ्योरी पेरुक द्वारा बोला जाता है। तो इसका आप देख सकते हो, इंडिया में एग्जांपल भी देख सकते हो कि जो आयरन ओर इंडस्ट्रीज या डोमिनेंट इंडस्ट्रीज थे वहाँ पे स्टील सेक्टर का इंडस्ट्री लगा और वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। जैसे मान लो बोकारो हो गया, आप देख सकते हो, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये क्या है, आप पेरू का जो ग्रोथ पोल थ्योरी अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे सही ठहरते हैं, ठीक है। फिर लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है, डायनामिक जो प्रोपल्सिव फॉर्म्स हैं ये आपको कैपिटलिस्ट कंट्री में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा जो छूट होती है, मार्केटिंग का छूट होती है, इनोवेशन का छूट होती है, ये सिर्फ कैपिटलिस्ट कंट्री में होती है। आप कम्युनिस्ट कंट्री जैसे रशिया में आपको डायनामिक प्रोपल्सिव फॉर्म्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो सब जगह जब पेरू का जो थ्योरी है वो अप्लाई नहीं होता। फिर जो इकोनॉमिक पोलराइजेशन को अननेसेसरी उन्होंने ज्योग्राफिकल पोलराइजेशन में बढ़ा दिया, जैसे मान लो ज्योग्राफी का पोलराइजेशन होने लगा, ये क्या अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया। फिर ज्योग्राफिक पोलराइजेशन जनरली क्या होता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, जहाँ पे जो बोल सकते हैं गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है वहाँ पर होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो क्या है, इक्वल डेवलपमेंट होगा सारे रीजन का, ज्योग्राफिकल पोलराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यह पेरू का ग्रोथ पोल थ्योरी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पेरू का जो ग्रोथ पोल थ्योरी पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।